हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आपने पियर्सिंग कराई तो आपका लेफ्ट साइड वाला पियर्सिंग एरिया जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके राइट साइड वाले पियर्सिंग एरिया में प्रॉब्लम आ रही है, बम्प हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है या फिर पस हो रहा है, या फिर आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो राइट साइड वाला पियर्सिंग एरिया है वो बिल्कुल ठीक हो और आपके लेफ्ट साइड वाले पियर्सिंग एरिया में पस हो रहा हो या फिर पियर्सिंग प्रॉब्लम हो रही हो। सो गाइस, इसी टॉपिक पर हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है कि आपका वन साइड जो पियर्सिंग है वो बिल्कुल ठीक होता है लेकिन दूसरे साइड वाले पियर्सिंग में बार बार प्रॉब्लम आती रहती है, बम्प हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है या फिर पस हो जाता है। एंड गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मैं आपको बता दूं, मैंने ऑलरेडी पियर्सिंग प्रॉब्लम पर काफी सारी वीडियोस बना रखी है। सो गाइस, अगर आपको पियर्सिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। एंड दोस्तों, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम पियर्सिंग कराते हैं तो हम सेम टाइम पर दोनों साइड पियर्सिंग कराते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम वन साइड अपने पियर्सिंग की ज्यादा केयर करेंगे और दूसरे साइड हम अपने पियर्सिंग की कम केयर करेंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि आपका वन साइड पियर्सिंग जो है वो बिल्कुल ठीक रहता है और दूसरे साइड पियर्सिंग में बार बार प्रॉब्लम आती है? आपने देखा होगा कि एक ही साइड आपको बार बार प्रॉब्लम आ रही है, उसी पियर्सिंग में आपको बम्प हो रहा है। अगर आपके राइट साइड ये प्रॉब्लम है तो आपने देखा हो कि आपके राइट साइड वाले पियर्सिंग में बम्प हो जा रहा है, कभी कभी ब्लीडिंग होने लग रही है, कभी पस हो जा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो दोस्तों, सबसे मेन चीज होती है, जब भी आप पियर्सिंग कराते हैं तो पियर्सिंग के बाद आपने अपने पियर्सिंग की केयर कैसे की? तो दोस्तों, चलो मान लेते हैं कि आप जब अपने पियर्सिंग की केयर करेंगे तो आप दोनों साइड अपने पियर्सिंग की केयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप वन साइड अपने पियर्सिंग एरिया को क्लीन करेंगे और वन साइड आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है, जब आप सोते हैं तो आपको सोते वक्त भी ध्यान रखना होता है। जब भी आप न्यू पियर्सिंग कराते हैं तो आपको स्लीपिंग टेक्निक का भी बहुत ध्यान रखना होता है। एंड गाइस, ये सब मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। गाइस, मोस्टली होता क्या है, जब हम सोते हैं तो हम लेफ्ट साइड सोते हैं या फिर राइट साइड सोते हैं। तो अगर आप लेफ्ट साइड सोते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके लेफ्ट साइड वाले पियर्सिंग में प्रॉब्लम आ रही है। सो गाइस, जब भी आप न्यू पियर्सिंग कराएं तो आपको ध्यान रखना है, आपको वन साइड नहीं सोना है, ना ही लेफ्ट साइड ना ही राइट साइड। आप कोशिश करें कि आप स्ट्रेट सोएं और आपको ध्यान रखना है अपने पियर्सिंग एरिया का। दोस्तों, होता क्या है, आपका जो पियर्सिंग एरिया है वो पिलो के कॉन्टेक्ट में आता है, तो मे बी पिलो कवर डर्टी होने की वजह से उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। एंड दोस्तों, कई बार क्या होता है, आप वन साइडेड सो जाते हैं और नींद में इतना पता नहीं चलता है और वो एरिया जो है दुख जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, फिर बम्प हो जाता है। तो आपको स्लीपिंग टेक्निक का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सेकेंड चीज दोस्तों, जब भी आप अपने हेयर को वॉश करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने हेयर को वन साइड कर लेते हैं, या तो आप अपने राइट साइड अपने सारे हेयर कर लेते हैं या फिर अपने लेफ्ट साइड कर लेते हैं। और हेयर जो होते हैं वो वेट होते हैं, आपका पियर्सिंग एरिया जो है वो काफी लंबे समय तक वेट रहेगा तो उसमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपका जो पियर्सिंग एरिया है वो वेट ना रहे। एंड दोस्तों, हमारे पियर्सिंग में इन्फेक्शन हमारे डर्टी हेयर की वजह से भी हो जाता है, तो आपको अपने हेयर को भी क्लीन रखना बहुत जरूरी है। हम कई बार अपने हेयर को भी अपने लेफ्ट साइड रखते हैं या फिर राइट साइड रखते हैं। एंड गाइस, अगर हमारे हेयर क्लीन नहीं होंगे तो उससे भी हमारे पियर्सिंग में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो गाइस, यही कुछ रीजन है जिनकी वजह से आपका जो वन साइड पियर्सिंग है वो बिल्कुल ठीक रहता है लेकिन दूसरे साइड जो पियर्सिंग है उसमें प्रॉब्लम होने लगती है। एंड दोस्तों, अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको मेरे चैनल पर पियर्सिंग बम्प से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी, अगर आपके पियर्सिंग में पस है तो भी वीडियो मिल जाएगी, ब्लीडिंग हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों, हर टॉपिक पर आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। सो गाइस, इसीलिए मैं आपको डिटेल में कुछ नहीं बता रही इस वीडियो में, आपको ऑलरेडी सारी वीडियो मिल जाएंगी मेरे चैनल पर, तो आप वो वीडियोस देख लीजिएगा। हाँ गाइस, अब आप ये समझ गए होंगे कि वन साइड आपको प्रॉब्लम क्यों होती है और वन साइड प्रॉब्लम क्यों नहीं होती है। एंड दोस्तों, आपने ये भी देखा होगा कि अगर आपने मल्टीपल पियर्सिंग करा रखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये डबल पियर्सिंग करा रखी है, तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि अगर लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम आ रही है तो आपके लेफ्ट साइड में जो भी पियर्सिंग है दोनों में ही प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि एक पियर्सिंग से इन्फेक्शन दूसरे पियर्सिंग में चला जाता है। सो गाइस, इस कंडीशन में
एक चीज का ध्यान आपको बहुत ज्यादा रखना है, वो है उस पियर्सिंग को क्लीन करना। तो आपको उस पियर्सिंग को बहुत ज्यादा क्लीन करना है। अगर आपके राइट साइड प्रॉब्लम नहीं हो रही है दोस्तों, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको दोनों एरिया को क्लीन करना जरूरी है। आप अपने लेफ्ट एरिया पर ये फोकस करिए, वहीं पर रेमेडी अप्लाई करिए। सब कुछ मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है दोस्तों, इसलिए डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आपके पियर्सिंग में, बस आप उस एरिया को क्लीन करते रहिए। गाइस मोस्टली जो पियर्सिंग में प्रॉब्लम आती है, बार बार जो प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि पियर्सिंग एरिया में पस हो जाता है, आपके पियर्सिंग के ठीक ऊपर एक व्हाइट दाना हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जरूरी नहीं है कि आप उसके ऊपर कोई रेमेडी अप्लाई करें, वो अपने आप भी ठीक हो जाता है। एक चीज जो आपको जरूर करनी है दोस्तों, आपको उस एरिया को क्लीन रखना है, बस आप क्लीन रखिए, आप देखेंगे वो जो पस वाला दाना है ना, 2 से 3 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अगर आपका 2 से 3 दिन में ठीक नहीं हो रहा है, देन फिर आप रेमेडी यूज कर सकते हैं। रेमेडी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई है। सो गाइस आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा। गाइस अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कॉमेंट्स कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं। पियर्सिंग से रिलेटेड तो आपको काफी सारी वीडियो मिल ही जाएंगी मेरे चैनल पर, साथ ही आपको स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड भी काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। एंड गाइस अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।